हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं ये मेरी ओला S1 Pro Gen 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें काफी परेशानियां आती रहती है दोस्तों, जैसे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की साइड स्टैंड में मेरे साथ में परेशानियां आई थी। इसका साइड स्टैंड बंद नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आगे चल नहीं रही थी और स्टार्टिंग मोड पे नहीं आ रही थी। फिर इसको रिबूट करने के बाद में ये स्टैंड भी सही हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका बूट स्पेस जो कि बंद नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक इसका खुला रह रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है इसमें भी, काफी बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका है। बहुत से लोग बताते हैं कि जैसे कि इस तरह का परेशानी होता है तो सीधा सर्विस सेंटर में चले जाते हैं, बट दोस्तों इसको मैं आपको सही करके दिखाऊंगा घर पे ही। देख सकते हैं इसका नहीं बंद हो रहा और इसका साउंड भी सुनाई आपको दे रहा होगा, जैसे कि इसका बिल्कुल ही बंद नहीं हो रहा, अनलॉक यहाँ पे डिस्प्ले में भी शो कर रहा है। अगर आपके साथ में भी इस तरह का परेशानी हो रही है तो प्लीज पिन कमेंट लेके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसको सही करने के लिए सबसे सिंपल उपाय है गाइस, आपके पास एक छोटी सी पेचकस होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस तरह का पेचकस होना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे बूट स्पेस इसका बंद होता है, देख सकते हैं यहाँ पे तार भी इसका लिया हुआ है। इस जगह पे एक मोटर होती है जो कि इसकी डिक्की को अनलॉक और लॉक करती है, देख सकते हैं आपको इस वीडियो में साफ साफ आपको दिख रहा होगा। और इसी जगह पे आपको पेचकस से मदद से आपको इसको पिन को दबाना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं दबाया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले पे यहाँ पे क्या शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बूट स्पेस देखिए लॉक बता रहा है, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। आपको इसको सही करने के लिए दोस्तों इस पिन को दबा के और बूट स्पेस को ओपन करना है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाता हूँ। ये मैं इसको दबा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये दब चुका है और यहाँ पे अनलॉक भी मैं कर दिया हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये बूट स्पेस देखिए बंद भी हो गया है, देख सकते हैं आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। इसके बाद में इस बूट स्पेस को अनलॉक कीजिए और देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये सही हो गया। इस तरह से आप बड़े आसानी से घर पे दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की परेशानियाँ, काफ़ी परेशानी है जिसमें कारण दूर आराम से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दिए, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें।